Meanwhile, in a direct reference to China and the recent standoff at the line of control between India and China, Indian Prime Minister Narendra Modi, during his Red Fort address, said that no one can challenge India's sovereignty, and if India's sovereignty is attacked, then India will respond with a befitting reply. Prime Minister Modi also hailed India's jawans. Listen. सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं? देश क्या कर सकता है? ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देशों का भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत